हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मुंबई हाउसिंग अमित दुबे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित दुबे और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ व्यूवर्स एक 2 BHK का रीसेल अपार्टमेंट लेके मीरा रोड ईस्ट लोकेशन में। ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों बेवली पार्क लोकेशन में है और अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये बिल्डिंग का एलिवेशन जो कि टोटल 22 स्टोरी का टावर है, जहां पे आपको दोस्तों 1 BHK एंड 2 BHK के अपार्टमेंट मिलते हैं। 2 1 BHK अगर 2 2 BHK के अपार्टमेंट मिलते हैं। पर फ्लोर पे 4 फ्लैट है। व्यूवर्स अभी हम देख रहे हैं डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी जो कि फुली एयर कंडीशन के साथ में आपको मिलती है। अगर वहीं पे अगर हम दोस्तों बात करें इस बिल्डिंग में एमिनिटीज़ की, तो एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा बहुत कुछ एमिनिटीज़ नहीं मिलती। बेसिक एमिनिटीज़ जैसे फुली एयर कंडीशन गेम रूम विथ फिटनेस सेंटर मिल जाता है और साथ में ही दोस्तों यहाँ पे आपको टेरेस पे गार्डन भी मिल जाती है जो कि आप देख रहे हो ये वीडियो में। और अभी हम आगे दोस्तों ये पैसेज एरिया में, जहाँ पे दोस्तों आपको पर फ्लोर पे 4 फ्लैट मिलते हैं और साथ में दोस्तों यहाँ पे 2 लिफ्ट मिलता है और 1 स्टेयरकेस मिलता है। और ये जो फ्लैट है दोस्तों ये हायर फ्लोर पे है, जहाँ पे आपको रिफ्यूजी फ्लैट आपके फ्लोर पे मिल जाएगा। व्यूअर्स अभी हम आ गए ये 2 BHK के अपार्टमेंट में, जिसका कारपेट एरिया आपको मिलता है 710 स्क्वायर फीट का। और अगर हम बात करें बिल्डअप एरिया की, तो 1000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको बिल्डअप एरिया मिलता है दोस्तों। ये 2 BHK का अपार्टमेंट है। व्यूअर्स अभी हमने देखा ये लिविंग एरिया जो कि आपको एल शेप में मिलती है, जहाँ पे आपको लिविंग एरिया प्लस अलग से डाइनिंग एरिया मिलती है। अगर हम बात करें दोस्तों साइजेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो डाइनिंग एरिया का जो साइज़ मिलता है आपको 16.4x7.5 का आपको साइज़ मिलता है आपके डाइनिंग एरिया का। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों लिविंग एरिया की, तो 9x10.4 की आपको साइज़ मिलती है आपके लिविंग एरिया से। और उसी से अटैच है दोस्तों एक 2 फीट वाइड बैल्कनी, जहाँ से मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी ओपन व्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये जो फ्लैट है दोस्तों पूरा ओपन व्यू के साथ में मिलता है, जहाँ पे आपको अब मैं हायर फ्लोर पे लेके आया हूँ, जिसकी वजह से आपको व्यू जो है पूरा ओपन रहने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे वीडियो में कहीं से भी ब्लॉक नहीं है। व्यूवर्स अब हम बात करें इस फ्लैट से कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि आपको बस स्टैंड रिक्शा स्टैंड आपके बिल्डिंग के सामने ही मिल जाएगा। और वहीं अगर अब हम बात करें रेलवे स्टेशन की, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको मीरा रोड का रेलवे स्टेशन मिल जाता है। 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको भाईंदर का स्टेशन मिल जाता है। और अब हम बात करें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, तो लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का भी एक्सेस मिल जाता है। व्यूवर्स अभी हम देख रहे हैं ये किचन एरिया, जिसकी साइज़ आपको मिलती है 7x10.4 की। और यहाँ पे दोस्तों आपको डबल साइड प्लेटफॉर्म मिलती है, एक साइड आपको सर्विस प्लेटफॉर्म, एक साइड आपको मेन प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे बनाया हुआ है डेवलपर ने। और अभी आप आगे दोस्तों ये किचन एरिया से अटैच बालकनी में, जो कि लगभग 3 फीट वाइड यहाँ पे आपको बालकनी मिलती है। और यहाँ से भी जो व्यू मिलता है दोस्तों आपको ओपन व्यू मिलता है बिल्कुल भी। और यहाँ पे व्यूअर्स आपको जो सिंक लगा हुआ है जिंदाल जैसे ब्रांड की सिंक लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पे जो सीपी फिटिंग है वो भी आपको कोहलर जैसे ब्रांड की सीपी फिटिंग के साथ में यहाँ पे आपको मिलता है ये आपको किचन एरिया। और यहाँ पे आपको 3 फीट वाइड आपको पैसेज मिलता है। और अभी हम आगे दोस्तों ये कॉमन टॉयलेट एरिया में, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एरिया का जो साइज़ आपको मिलता है दोस्तों 6.6x4 का साइज़ मिलता है। और यहाँ पे भी आपको कोलर जैसे ब्रांड की सैनिटरी एंड सेवी फिटिंग के साथ में मिलती है आपको ये कॉमन टॉयलेट एरिया। और उसके सामने दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है ये कॉमन बेडरूम। और यहाँ पे कॉमन बेडरूम का जो साइज़ आपको मिलता है दोस्तों 10x9 का आपको साइज़ मिलता है आपको कॉमन बेडरूम का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे आप 2 BHK अपार्टमेंट में आपको 3 AC आपको लगा के मिलेगा, एक लिविंग एरिया में, एक आपको बेडरूम में और एक आपको मास्टर बेडरूम में। और अभी हम आगे दोस्तों ये कॉमन बेडरूम से अटैच बैल्कनी आप देख पा रहे हो, 3.5 फीट वाइड आपको यहाँ पे बैल्कनी मिलती है दोस्तों। और वहाँ से भी आपको व्यू जो है प्रॉपर ओपन व्यू के साथ में आपको मिलती है ये 2 BHK का अपार्टमेंट, जहाँ पे आपको लिविंग एरिया, कॉमन बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम तीनों ही एरिया से आपको जो व्यू है वो पूरा ओपन व्यू के साथ में मिलेगा दोस्तों। तो अभी हमने देखा दोस्तों ये कॉमन बेडरूम एरिया, मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों मास्टर बेडरूम में। सो व्यूअर्स अभी हम आ गए ये मास्टर बेडरूम में, जहाँ पे आपको मिलता है एक फॉयर एरिया। और उसके बाद यहाँ पे मास्टर बेडरूम का जो साइज़ आपको मिलता है दोस्तों 9x13.4 का आपको साइज़ मिलता है आपके मास्टर बेडरूम का। और उसी से अटैच है दोस्तों एक मास्टर टॉयलेट एरिया, जहाँ पे उसकी साइज़ आपको मिलती है 7x4 की। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको कोलर जैसे ब्रांड की सैनिटरी एंड सेवी फिटिंग के साथ में मिलता है ये मास्टर बेडरूम। और यहाँ पे भी दोनों ही आपको कॉमन टॉयलेट एरिया में और मास्टर टॉयलेट एरिया में, दोनों ही एरिया में दोस्तों आपको जो गीजर है वो ऑलरेडी फिटेड है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो बिल्डिंग है ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको अभी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, जो कि एक अनटच्ड फ्लैट है। ये हायर फ्लोर पर ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, इस बिल्डिंग का आ चुका है OC। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो कर दीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ आपके लिए अपने मुंबई हाउसिंग अमित दुबे यूट्यूब चैनल पे।
और दोस्तों अगर आपको भी इस प्रॉपर्टी का साइट विजिट प्लान करना है या फिर अगर आपको भी आपकी प्रॉपर्टी सेल करना है, रेंट पे डालना है, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप व्हाट्सअप और कॉल दोनों ही कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।